और सभी अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। रुक लेते हैं खबर लखनऊ से, जहां पर पुलिस विभाग में की कई यूनिटों में 900 पद सृजित। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए 61 पद सृजित किए गए हैं। तो यह अहम खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर हर जिले में फिंगरप्रिंट यूनिट और 300 पद सृजित किए गए। और अयोध्या में स्थापित होगी एसटीएफ की नई यूनिट, तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर नई यूनिट होगी अयोध्या में। और लखनऊ से खबर, पुलिस विभाग में कई यूनिटों में 900 पद सृजित किए गए हैं। यह अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर 900 पद सृजित किए जाने की बात सामने आई है। और 8 हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए भी कई पद सृजित किए गए हैं। तो हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए भी कई पद हुए सृजित, अहम खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए के बख्श सिंह साहब जुड़ चुके हैं, सलाहकार संपादक हैं। बख्श साहब, कई सारे पद सृजित किए गए पुलिस विभाग में, 900 पद सृजित किए गए हैं, क्या क्या कुछ कहेंगे आप उस पर? देखिए गरिमा, ये एक कहावत है देहात में कि पुत्र के जो पैर पालने में होता है, तभी से पता चल जाता है कि पुत्र की स्थिति क्या होगी। बिल्कुल, पुत्र कितना आगे बढ़ के वो कहता है। ठीक, यही स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार की है। अभी 25 तारीख को योगी आदित्यनाथ को शपथ लेनी है। इसके पहले ही अधिकारियों में उनके घोषणा पत्र को, जिसे संकल्प पत्र का रूप दिया है भाजपा ने, उसके संकल्प पत्र पे चलना शुरू किया है। उन्होंने कहा था कि हम सारे खाली पदों को भरेंगे, उसी के तहत ये पहला शासनादेश जारी किया गया है। और इस शासनादेश में साफ साफ कहा गया है कि 29 पद सृजित किए जाएंगे पुलिस के, कई विभागों, मतलब जो जितनी यूनिट होती, कई विंग्स होती, उनके 900 पद सृजित, जिसमें 8 हवाई अड्डों के लिए 145 पदों का सृजन किया गया है, अधिसूचना विभाग के लिए 170 पद बनाए गए हैं, और 170 विचारधारा और कैंग मजिस्ट्रेटर कौनसल सृजित के, एसीएफ के 76 पद, गोरखनाथ मंदिर जो पहली बार हो रहा कि 61 पद नए सृजित किए गए हैं जी। हर जिले में फिंगरप्रिंट यूनिट के 360 पद सृजित हुए, और ये भी पहली बार हो रहा है कि अयोध्या में एक एसटीएफ की यूनिट स्थापित की जाएगी। पहले ये कहीं यूनिट नहीं थी अयोध्या में, अभी तक एसटीएफ की कोई यूनिट नहीं थी, वहां एसटीएफ की एक यूनिट। इससे साफ जाहिर होता है कि वोट लेने के बाद और योगी आदित्यनाथ काफी लंबी बैटिंग करेंगे और धुआंधार बैटिंग करेंगे। बिल्कुल, यानी आपने कहा भी एक बड़ी कहावत के साथ में अपने जवाब की शुरुआत की कि पूत के पांव पालने में ही सामने आ जाते हैं। लेकिन बख्श साहब, हमने देखा था, अगर योगी के पहले कार्यकाल की बात की जाए तो महंगाई और रोजगार जो था इसको लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी। क्या इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब दूसरे कार्यकाल की शुरुआत थी इस बंपर ऑफर के साथ में हो रही है, ऐसा कह सकते हैं हम? इन पदों के सृजन के बाद ही बेरोजगारी दूर करने का कार्यक्रम तो शुरू कर दिया। और इसी प्रकार से एक तो एक विभाग का उदाहरण दिया गया है। अगर ये महंगाई तभी बढ़ती जब बेरोजगारी होती, बेरोजगारी जब रोजगार बढ़ जाएगा तो महंगाई अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अभी शुरुआत है, अभी 25 तारीख वोट लेना है और उनका महंगाई और बेरोजगारी पे भी दृष्टि है, उस पर भी आगे कदम बढ़ाएंगे। लेकिन अभी से मान लेना की महंगाई पे बेरोजगारी नहीं होगा, ये कहना अनुचित होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बख्श साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक बातचीत हमारे साथ करने के लिए। तो अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर लखनऊ से खबर सामने आ रही है, एटीएस में भी 68 पद बढ़ाए गए हैं, यानी अब इसके साथ में शुरुआत होगी दूसरे कार्यकाल की। और पुलिस विभाग में कई यूनिटों में 900 पद सृजित किए गए हैं।